नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है प्रतिभा और आज मैं भारत में अननेसेसरी सी सेक्शन के बढ़ते मामले के संदर्भ में ये वीडियो लेकर आई हूँ। है वो डाउन द नेक है, उसके लिए सिजेरियन करना है। And a C-sex being conducted for non-medical reasons, are women now just too posh to push, or is it the increased medicalization of the birthing process? आइए पहले समझते हैं C-section mode of delivery क्या होता है। C-section baby delivery का एक cesarean method है, यानी कि surgical method है। इसमें mother के abdomen और uterus को काटकर बच्चे का जन्म होता है। मदर को स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा के सुन्न किया जाता है और उसके बाद ये मेजर सर्जरी होती है। WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, सी सेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज में किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में माँ और बच्चे को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया, उसके अनुसार मैक्सिमम 15% डिलीवरी ही सी सेक्शन के थ्रू होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने WHO के थ्रेश होल्ड को भी क्रॉस कर लिया है। आज भारत में सी सेक्शन का परसेंटेज नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार 23% के आसपास है। यह मैं आपको 2021 से 2022 का आंकड़ा बता रही हूँ। आप इस ग्राफ से इसे समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना और बांग्लादेश में ये कॉमन हो गया है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये प्रिफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी है। कई बार तो मेडिकल रीजंस की वजह से सी सेक्शन करना जरूरी हो जाता है, जैसे अत्यधिक मोटापा है या फिर IVF प्रेगनेंसीज है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रेगनेंसी हुई है, या 35 से अधिक की उम्र हो जाना। लेकिन कई बार महिलाएं खुद ही सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करती हैं, जिसे इलेक्टिव सी सेक्शन कहा जाता है। इसमें कई सारे रीज़न इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डॉक्टर्स द्वारा बहुत ज़्यादा महिला को डरा देना या डॉक्टर्स द्वारा मोटी रकम वसूलना और कम समय में डिलीवरी के लिए महिलाओं को डरा के मजबूर कर देना। कई बार सही मूल नक्षत्र में बच्चे के जन्म को लेकर मदर सी सेक्शन के लिए खुद ही ऑप्ट कर लेती है। ऐसा देखा गया है कि अर्बन एरियाज में सी सेक्शन का ट्रेंड रूरल एरियाज से ज़्यादा है। कई बार इसे एजुकेशन, रिलीजन और लाइवलीहुड भी इफेक्ट करता है। इंडिया स्टेट्स में अगर देखें, इंडिया के स्टेट्स में, तो तेलंगाना में हाईएस्ट परसेंटेज है सी सेक्शन का। मैंने ये स्टेट वाइज लिस्ट बनाई है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। मैंने खुद सी सेक्शन से बेबी डिलीवर किया है। मेरे केस में डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का वजन ज़्यादा है और गले में 2 राउंड कॉर्ड फंसी हुई, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड फंसी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 10 दिन में रिकवरी हो जाती है। मैं इस तरह से कन्विंस हो गई, या आप कह लीजिए कि डर गई, कि मैंने इलेक्टिव सी सेक्शन करवा लिया, यानी कि कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया कि ये सर्जरी मैं पूर्णतया अपनी सहमति से करवा रही हूँ। जब सर्जरी हुई तो 10 दिन रिकवरी जैसा मुझे बोला गया था, उन 10 दिनों में तो मैं बेड से खड़े भी नहीं हो पाई थी, अपने बच्चे को करवट लेके दूध भी नहीं पिला पाई थी। मुझे 6 महीना लग गया हील होने में। मैं हर पल अपने उस डिसीजन को आज भी कोसती हूँ। भारत में लोगों के बीच में इस संदर्भ में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद लेनी चाहिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू अवेयरनेस फैलानी चाहिए। प्री डिलीवरी चेकअप्स के दौरान महिलाओं को सी सेक्शन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चों में अस्थमा होने का डर रहता है, तथा महिलाओं को फ्यूचर में इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया, यूटेराइन रप्चर तथा स्टिल बर्थ के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए सरकार को इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।